ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारसर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल के होने वाले अपने उच्च राशि मकर राशि में परिवर्तन, जो कि 22 मार्च सन 2020 को दोपहर 2:27 पर होने जा रहा है। यहाँ मंगल 4 मई सन 2020 को रात्रि 8:29 तक रहेंगे। मंगल मकर राशि में हस्तांतरित होने के साथ साथ उत्तराषाढ़ के द्वितीय चरण नक्षत्र में भी विचरण करेंगे। इस नक्षत्र के अधिपति मंगल के मित्र ग्रह सूर्य हैं। यहाँ मंगल 5 अप्रैल सन 2020 11:36 दोपहर तक रहेंगे तथा मकर राशि के 10 अंश पर परिवर्तित होकर श्रवण नक्षत्र में विचरण करेंगे। इस नक्षत्र के अधिपति ग्रह चंद्रमा है, यह भी मंगल के मित्र ग्रह हैं। श्रवण नक्षत्र में मंगल 25 अप्रैल सन 2020 प्रातः 4:32 तक रहेंगे तथा यहां से धनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके अधिपति स्वयं ही मंगल हैं। अर्थात यहां मंगल उच्च की राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में भी विचरण करेंगे तथा 4 मई तक यहीं पर विचरण करेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में हस्तांतरित होंगे। यहां मंगल 23:26 से परिवर्तित होकर मकर राशि के 30 अंश तक रहेंगे। इस गणना के अनुसार मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के तृतीय स्थान, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम स्थान, भाग्य स्थान तथा लाभ स्थान को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, कंधों में चल रही बहुत समय की समस्या से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ कार्य योजना बनाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। विवेक तथा ध्यान धैर्यपूर्वक अपने कार्य की योजना बनाइए, क्योंकि यह आपके कार्य की मूलभूत आधारशिला है। एक बार योजना आपने सुदृढ़ बना ली तो क्रियान्वयन तो आप कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी विचार करने का विषय नहीं है, परंतु आपको यहाँ विशेष ध्यान अपनी योजनाओं पर ही देना है, क्योंकि यह समय उसकी सकारात्मकता का है, फुल प्रूफ परफॉर्मेंस का है। यदि यहाँ योजना सुदृढ़ बन गई तो क्रियान्वयन में आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस योजना पर आपकी कार्यशैली पूर्णतः निर्भर करती है। इस समय में बौद्धिक क्षमताओं के प्रदर्शन का समय है, यह आपको प्रदर्शित करनी चाहिए। इसमें प्रदर्शन करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सकारात्मकता आएगी, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, रोगों से मुक्ति, शत्रु आपके सामने मुंह की खाएंगे, विपक्ष आपके सामने प्रबल नहीं हो पाएगा, साथियों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस समय में आप देखेंगे विपक्षी यदि आपके विपक्ष में जाएंगे तो वह भी आपके लाभ में ही प्रदर्शित होगा। विवाद आदि की स्थितियां कम ही हैं, परंतु इस काल में यदि विवाद हो भी जाए तो वह आप मौन ही रहें, सफलता स्वयं प्राप्त हो जाएगी। आपका मौन आप देखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगा, और उसके मन में यह भावना आ जाएगी कि इसके मौन रहने के कारण से कहीं उसे हानि ना प्राप्त हो जाए, अर्थात आपके शत्रु को हानि ना प्राप्त हो जाए। इससे वह भयभीत होकर आपके सामने, आपके समक्ष नतमस्तक रहेगा। कुल मिलाकर शत्रु आपका प्रबल नहीं हो पाएगा और आपके सामने उसको नतमस्तक होना पड़ेगा। इस काल में वृश्चिक राशि के जातकों को गृहस्थ जीवन में सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होंगी, सफलताएं प्राप्त होंगी,
यदि साझेदारों से कोई समस्या वृश्चिक राशि के जातकों को चल रही है कार्यक्षेत्र में, व्यापार में, तो उसमें भी सकारात्मकता आएगी। स्वयं के स्वास्थ्य को केंद्रित होकर देखना बहुत आवश्यक है। वैसे तो लग्न के आपकी राशि के अधिपति उच्च राशि में चले गए हैं, तो मनोभाव उच्चातिरेक पर रहेगा, साहस प्रबल रहेगा, सफलताएं आपके सामने आपके स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी। अतः इस काल में आप जितना परफॉर्मेंस कर पाएं उतना करें, अधिकाधिक स्थितियां आपके सकारात्मक रहेंगी तथा आपके पक्ष में ही प्रदर्शित हो रही हैं। पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, योजनाओं में धन को लगा सकते हैं, इससे भी लाभ के आयाम खुलेंगे, भाग्य प्रबल होगा। परंतु यहां वृश्चिक राशि के जातकों को नेत्र से संबंधित स्थितियों पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। विशेष कर बाएं नेत्र की ओर ध्यान दें, इससे संबंधित होने वाली किसी भी समस्या पर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तुरंत औषधि लेने की आवश्यकता है। दर्द की स्थितियां, जोड़ दर्द, पेट दर्द की स्थितियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः वृश्चिक राशि के जातकों को इस काल में अपने स्वयं के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। प्रबल नहीं होगा परंतु अंदर ही अंदर चलता रहेगा, जिसके कारण आने वाले समय में समस्या होगी। मंगल के यहाँ से परिवर्तित होने के पश्चात ऐसी स्थितियां प्रदर्शित हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति के लिए श्री हनुमान जी महाराज को प्रत्येक मंगलवार, शनिवार तथा बुधवार को मूंग की दाल का मिष्ठान अर्पित करना चाहिए तथा मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल भी भगवान हनुमान जी को चढ़ानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर राम नाम का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान शंकर पर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार को शहद चढ़ाना चाहिए, इससे उनकी समस्याओं की निवृत्ति होगी। अनंत मूल की जड़ी को धारण करना चाहिए, जिससे इस माह में होने वाले स्वास्थ्य से संबंधित कष्टों से निवृत्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माता रा आपका कल्याण करें।